गाइस ये देखो, एक बड़ा सा कछुआ है और उसके ऊपर जो है भोलेनाथ का शिवलिंग है और उसके ऊपर जो है ये देखो बड़ा सा त्रिशूल है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर न्यू ब्लॉग। तो अभी हो रहे हैं सुबह के, मैं हूँ दिल्ली पे और दिल्ली पे एक प्लेस पड़ता है छतरपुर, ठीक है, न्यू दिल्ली पे। तो अभी हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ से आपको दिखाते हैं, यहाँ पे बहुत ही प्राचीन प्राचीन मंदिर है, बहुत ही बड़े बड़े मंदिर है। तो चलो मैं आपको ना एक एक करके दिखाता हूँ, बहुत ही अमेजिंग की चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ। मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुका हूँ और चलो मैं ना आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि कितने बेस्ट जो व्यू है यहाँ का और टेम्पलों से भरा ये प्लेस है। तो चलो मैं दिखाता हूँ, क्योंकि आप देख लो हमारे हर तरफ ना आगे पीछे आपको टेम्पल ही देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े और बहुत ही बेहतरीन के टेम्पल्स हैं। तो चलो एक एक करके मैं ना आपको दिखाता हूँ। तो भाई ये है समाधि स्थल, देख लो, ये समाधि स्थल श्री दुर्गा चरणानुरागी संत नागपाल जी की है और वहाँ जो है ना बड़ा ही मस्त का व्यू, क्योंकि नीचे टेम्पल है, ऊपर टेम्पल है, माँ दुर्गा का है, भोलेनाथ की है और माँ काली की है। तो चलो हम वहाँ जाके दिखाएंगे और साथ ही इधर भी देखो बहुत सारे मंदिर हैं, टेम्पल्स हैं। तो एक एक करके देखते हैं और व्यू जो है ना बहुत ही बेहतरीन है और साथ ही जो है ना एक बड़े से बजरंगबली है, तो हम वो भी दिखाएंगे। तो चलो चलते हैं। यहाँ ना हर तरह का आपको जो है ना बड़े बड़े कैमरे लगे हुए, सीसीटीवी है। गाइस ये देखो, एक बड़ा सा कछुआ है और उसके ऊपर जो है भोलेनाथ का शिवलिंग है और उसके ऊपर जो है ये देखो बड़ा सा त्रिशूल है। तो मैं गाइस आपको वाइड एंगल कैमरा से दिखा रहा हूँ, इसलिए ये छोटा आपको नज़र आ रहा है, लेकिन बहुत ही इसका हाइट है, बहुत ही बड़ा हाइट है और बहुत ही बेहतरीन है, देखो, ठीक है। पीछे जो है मंदिर है इसके और एक बड़ा सा व्यू और बहुत ही बेहतरीन का, ठीक है। तो ये इस पर भी पानी नहीं है, लेकिन पानी भरने पे और ये बेहतरीन लगते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपको और बहुत ही बेहतरीन और अमेजिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ ब्लॉग पे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। चलो और देखते हैं। चलो भाई मैं जा रहा हूँ अंदर और मैं आपको समाधि स्थल साथ ही जो मंदिर है बहुत ही बेहतरीन की चीज़ें हैं, बहुत ही बेहतरीन का दर्शनीय स्थल है, बहुत ही प्राचीन है। तो चलो मैं दिखाता हूँ। दिल्ली को इसी तरह भारत का दिल नहीं कहा जाता, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ तो बातें हैं, कुछ तो खास बातें हैं। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि हर तरफ आपको टेम्पल्स, बस टेम्पल्स और टेम्पल्स ही दिखते हैं। हिंदू के साथ साथ अन्य धर्मों के भी लोग आते हैं। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। बाबा की समाधि स्थल और यही है मंदिर और इसके चारों बगल जो है माताओं का जो है मूर्ति है और बहुत ही बेहतरीन का दृश्य है। तो और चलो मैं दिखाता हूँ आपको। ये है मंदिर और इसके अंदर जो है फोटो या वीडियो आप नहीं कर सकते हैं, तो इस गाइडलाइंस का मैं पूरा पालन करता हूं और मैं नहीं चाहता कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे या फिर जो भी वो बैनर और लगाए हैं कि फ़ोटो या वीडियोस नहीं कर सकते, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो पर्पस रहा ही होगा। तो चलो हम नहीं करते, लेकिन बाहर से दिखा दें, बहुत ही बेहतरीन का भाई। आप आओगे ना मन खुश हो जाएगा, मन प्रफुल्ल उठेगा। तो आओ, और बहुत ही बेहतरीन का ये टेम्पल्स है और चारों ओर तो इसके गार्डन्स हैं ही। तो अभी ये है, ये नीचे वाला पार्ट्स में मैं हूँ, इसके बाद मैं चलूँगा ऊपर और ऊपर से भी दिखाता हूँ बहुत ही बहुत ही बहुत ही बेहतरीन का दृश्य।
चलो गाइस मैं ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर दिखा रहा हूँ। तो भाई अब मैं चल रहा हूँ दूसरी ओर, और दूसरी ओर जाके दिखाता हूँ क्योंकि बहुत ही बेहतरीन की नज़ारा है। तो चलो हम जा रहे हैं इस ओर, और चलो हम चल के देखेंगे क्योंकि मंदिरों का पूरा एक कह सकते हैं पूरा प्लेसेस ही मंदिर है, और बहुत ही बेहतरीन और बड़े बड़े मंदिर है। इतने मंदिर हैं कि मुझे लगते हैं कि पूरे इसे कवर करने में लगभग 2.5 से 3 घंटे लगेंगे। तो गाइस ऐसी ही दिल्ली को भारत का दिल नहीं कहा जाता है, कुछ तो खास है भारत के इस दिल्ली पे। देखो सबसे बड़ी चीज़ इसकी खासियत मैं देख रहा हूँ कि ताला इतने बड़े हैं। देख लो ये तो गेट्स हैं इतने बड़े, और ये देखो ताला, इसमें कितने बड़े ताला है। तो माँ का ये सिंबल है इस पे, और ताला देख लो। इस लाइफ में मैं फर्स्ट टाइम इतने बड़ा ताला देख रहा हूँ, और बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। तो चलो और चलते हैं दूसरी और देखते हैं कि इधर जो है ना हर तरफ आपको मंदिर ही दिखते हैं। तो चलो और दूसरी चीज़ को दिखाता हूँ, और साथ ही एक बड़े से हनुमान का मूर्ति है जो मुझे लगता है कि लगभग 20 से 30 फीट का होगा। तो चलो चलेंगे और देखते हैं क्योंकि बहुत ही बेहतरीन है। तो ब्लॉग में बने रहना, और ब्लॉग को आप हमारे चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो चलो भाई मैं ना आपको एक बहुत ही अमेजिंग की चीज़ दिखाता हूँ। तो मैंने बोला ना 30 से 30 फीट का बजरंग वाली, तो चलो दिखाता हूँ क्योंकि मेरे पीछे है देखो जस्ट, ठीक है। तो बहुत ही लंबे हैं, चलो वहाँ जाके नज़दीक जाके दिखाएंगे क्योंकि यहाँ से तो आपको पता नहीं चल रहा है, तो दिखाता हूँ। तो चलो गाइज मैं जा रहा हूँ और चल जाके दिखाता हूँ क्योंकि बहुत ही ये बड़े हैं भाई, और ये देखो इस तरह का नज़ारा। तो उधर भी टेम्पल्स हैं, और चलो मैं यहाँ दिखाता हूँ कि कितने बड़े हैं। तो आप इस आदमी को देख के इमेजिंग करो कि पेड़ के समान हो रहे हैं, और ये देखो अब ये रहे लगभग 20 से 30 फीट के से मुझे लगता है कि ज़्यादा हो। मैं अब ना दूसरी ओर जाता हूँ और दूसरी ओर से दिखाता हूँ। तो चलो चलते हैं। भाई मैं ना अब दूसरे टेंपल पे आ गया हूँ, और यहाँ से दिखा दो। और एक टेंपल बहुत ही बेहतरीन का है, और इसका दृश्य भी देखो तो बहुत ही बेहतरीन है। तो चलो दिखाते हैं। ये संत बाबा नागपाल जी हैं, और ये देखो रानी का मंदिर है। चलो दिखाते हैं। छतरपुर का टेंपल और भव्य मंदिर जो मैंने आपको दिखाया। तो आई होप कि गाइस आपको ब्लॉग पसंद आया हो। ब्लॉग पसंद आता है तो ब्लॉग को जरूर लाइक करेंगे, चैनल में पहली बार है सब्सक्राइब करेंगे ताकि इसी तरह का एक रोचक ब्लॉग आपको देखने को मिले। और नेक्स्ट ब्लॉग जो है मैं आपको दिखाऊंगा रेड फोर्ट यानी लाल किला, और
समाधि स्थल महात्मा गांधी के संगे। तो चलो मिलते हैं इसी ब्लॉग में, तब के लिए धन्यवाद।